गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम अनंता दत्ता फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम ब्रेसन एंड सर्कल एल्गोरिथम का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि ब्रेसन एंड सर्कल एल्गोरिथम होता क्या है। तो जनरली ये एक ड्राइंग सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है, जिसमें कि हम एक सर्कल को एट वे सिमेट्रिक पॉइंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। मीन्स जो एक सर्कल है वो एट पार्ट में डिवाइड होता है, सिमेट्रिक पार्ट में, जो पॉइंट्स उसके जनरेट होते हैं वो 90 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इसके पॉइंट्स जनरेट होते हैं, और ये प्लस एक्स से माइनस वाई डायरेक्शन में शोन होता है फिगर में। जैसे कि आप इसमें फिगर देख सकते हैं, तो ये जो है प्लस एक्स डायरेक्शन से माइनस वाई डायरेक्शन के बीच में बनता है, और 90 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इसके पॉइंट्स जो है वो जनरेट होते हैं। तो ये 1/8 पार्ट में जनरेट होता है, और यदि हमको इसकी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मीन्स बेस्ट यदि हमको इसका अप्रोक्सीमेट चाहिए ट्रू सर्कल से, तो हमको वो पिक्सल सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि ट्रू सर्कल से लीस्ट डिस्टेंस में है। जैसे कि ट्रू सर्कल से जो भी बहुत लीस्ट डिस्टेंस में या तो इनसाइड पे है या तो आउटसाइड में है, वैसे पॉइंट्स हम सिलेक्ट करते हैं जिससे कि हमारा जो सर्कल है वो ट्रू सर्कल कहलाता है। जैसे कि हम पॉइंट्स एज्यूम करते हैं, तो हम जो पिक्सल्स रहते हैं उसको हम डिस्टेंस पिक्सल ए और बी के आसपास में रखते हैं, और उसके बाद जो हमारे डिस्टेंस रहते हैं हम उसको डेल ए इक्वल टू डी ए माइनस आर और डेल बी इक्वल टू डी बी माइनस आर से उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि यदि हमको लीस्ट डिस्टेंस रखना है ट्रू सर्कल से, तभी हमको बेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मिल पाती है। और जैसे कि मान लीजिए आपको सर्कल ईच न्यू पॉइंट क्लोजेस्ट टू द ट्रू सर्कल कैन बी फाउंड बाय टेकिंग आइदर टू डायरेक्शन। मींस जैसे कि हमको ट्रू सर्कल से यदि पॉइंट उसके क्लोजेस्ट में चाहिए, तो हमको दो में से कोई एक एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। या तो जो हमारा एक्स डायरेक्शन में हमको एक यूनिट मूव करना पड़ेगा, या फिर एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट, या फिर जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है मीन्स माइनस वाई डायरेक्शन में एक यूनिट हमको उसके पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं ब्रेसन का सर्कल एल्गोरिथम कैसे काम करता है। सबसे पहले जब हम इसका एल्गोरिथम 1/8 पार्ट ऑफ सर्कल में प्लॉट होता है, तो इसके लिए सबसे हम पहले रेडियस जो रहता है उसको हम रीड करते हैं, जो भी सर्कल का रेडियस रहता है रीड द रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं जो भी हमको पॉइंट्स चाहिए होती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जो हमारे पॉइंट रहते हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं, और डिसीजन वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और पी और क्यू जो है हमारा सेंटर है, कोऑर्डिनेट्स के जो सेंटर पॉइंट है वो हमने पी और क्यू से डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमारा आर है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। इसके बाद हम वैल्यू ऑफ आर को एंटर कराएंगे, देन कैलकुलेट डी इक्वल टू 3 - 2r। मीन्स हम क्या करते हैं कि हम डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, और डी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम एक्स को 0 और वाई को आर से डिक्लेयर करते हैं। मीन्स जो हम इनिशियलाइज करते हैं एल्गोरिथम को प्रोसेस करने के लिए, तो हम उसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू दी नहीं होती है, तो हम इसमें एक्स की वैल्यू को 0 और वाई की वैल्यू को आर से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो सर्कल हमारा है वो स्कैन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। इसके लिए हम if or else लगाते हैं, जिसमें कि यदि हमारा डिसीजन जो वेरिएबल रहता है वो यदि ग्रेटर देन 0 रहता है तो हम एक एल्स पार्ट में जाते हैं, और यदि वो लेस देन 0 रहता है तो हम इफ पार्ट के अंदर जाते हैं, जिसमें कि हमारे दो फॉर्मूला आते हैं। यदि हम इफ केस में हैं तो हम डी इक्वल टू डी प्लस 4x + 6 लेते हैं, और यदि हम एल्स पार्ट में जाते हैं तो डी इक्वल टू डी प्लस 4x - y + 10 लेते हैं। एल्स पार्ट में y की वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब हम एल्स पार्ट से बाहर आते हैं तो हमारी x की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो इफ में जाए या एल्स पार्ट में हमारी x की वैल्यू हर बार इंक्रीज होगी, और जो हमारी d की वैल्यूज रहती है हम उसको तब लेते हैं जब वो हर बार जो हमारी वैल्यू इंक्रीज होती है हम उससे d की वैल्यू को लेते हैं।
इसमें फिर हम एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, प्लॉट 8x8 यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ 8-way सिमेट्री. द पॉइंट द सेंटर्स इज एट पी क्यू. करेंट एक्टिव पिक्सल इज एक्स वाई. मीन्स जो हमारे जो एक्स और वाई की वैल्यूज रहेगी हम उसको माइनस और प्लस में लेके 8-way सिमेट्री में हम 8 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. उसके बाद यदि हमको नेक्स्ट पिक्सल का लोकेशन हमको फाइंड आउट करना है, पिक्सल को हमको स्कैन करना है, तो उसके लिए हम ई फॉर एल, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यदि डी इज स्मॉलर देन जीरो है तो हमारा जो डी का वैल्यू है वो डी प्लस 4x प्लस 6 हो जाएगा. उसके बाद हम एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे. और यदि हमारी डी की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है जीरो से, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे कि डी की फिर एक वैल्यू निकालेंगे और इसमें इंक्रीमेंट करेंगे एक्स को, और वाई को हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे वाई माइनस वन से. और ये लूप हम तब तक के चलाएंगे जब तक कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती. तब तक ये हम लूप को चलाएंगे. और उसके बाद जब हमारी एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल हो जाती तो हम एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको एक रेडियस दिया हुआ है 10, हमको एक रेडियस दिया हुआ है 10, जिसके के लिए हमको 6 पॉइंट ऑफ सर्कल प्लॉट करना है यूजिंग ब्रेशन हेल्स एल्गोरिदम. तो उसको प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले d इक्वल टू 3-2r निकालते हैं, जो कि मैंने डिसीजन वेरिएबल कहा था. उससे आपकी d की वैल्यू निकली -11. फिर हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम उसके लिए पहले x और y को प्लॉट करते हैं. तो जो हमारा x जो हमारा गिवन रहता है वो 0 रहता है इनिशियल पॉइंट, और जो y हमारा रेडियस है. तो इसको लेके हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. हर आप उसमें डिसीजन वेरिएबल को देखेंगे कि वो ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है जीरो के. आप वो फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे. ऐसा आप तब तक के चलाएंगे जब तक कि आपकी एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं आ जाती है. जहां आपकी एक्स और वाई की वैल्यू सेम आती है आप वहां पे प्रोग्राम को स्टॉप कर देते हैं. अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि ब्रेशनहैम का सर्कल एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है. इसमें सबसे पहले हमने कुछ हेडर फाइल्स दी हुई है, जैसे कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, स्टेडियो, पोनियो और graphics.h की कुछ हेडर फाइल्स है, जिसके की थ्रू हम इसके अंदर के फंक्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. उसके बाद हमने इंट मेन लिखा है. इंट मेन क्या होता है, सिंपली जो यहाँ पे इंट है ये यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा. और हमने इसके अंदर एक void टाइप का बनाया है. void मीन्स एम्प्टी रहता है, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है. तो हमने एक मेन फंक्शन बनाया है जिसमें कि हमने इंटीजर से जो भी हमारा ग्राफिक ड्राइवर्स है वो सारी. तो यहाँ पे हमने इंट में रेडियस लिया हुआ है 100. यहाँ पे हमने कंपाइल टाइम पे प्रोग्राम में रेडियस की वैल्यू लिख ली है. उसके बाद यहाँ पे यदि मान लीजिए हमने एक एरर, यदि यहाँ पे एरर आता है तो हमने इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगाया हुआ है. यदि हमारा एरर आ जाता है तो वहाँ पे कोई से भी की को हम प्रेस करके प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं और प्रोग्राम के कोड को टर्मिनेट कर सकते हैं. बट एरर नहीं आता है तो हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और फिर जो भी हमारा सर्कल है हम उसके एक्स वाई के जो पॉइंट्स है उसको और रेडियस को यहाँ पे सेट करते हैं. उसके बाद उसमें जो भी हमको कलर प्रोवाइड करना है वो मैक्सिमम में हम वो कलर को सेट करते हैं. और उसके बाद सिंपल जो भी हमारी वैल्यू रिटर्न होगी उसके लिए हमने रिटर्न 0 लिखा हुआ है. अब हम इसको कंपाइल करेंगे. ये सक्सेसफुल हुआ कंपाइल. अब हम इसको रन करके देखते हैं. तो ये आपका यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया है. तो ये आपने देखा कि ये कैसे वर्क करता है. इसमें हमने इसी में रेडियस इक्वल टू 100 लिख लिया था. तो हमने जैसे कि यहाँ पे हमने पहले रेडियस की वैल्यू को 100 दिया हुआ था तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा था. यहाँ से हम वैल्यू चेंज करके भी रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने अभी रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज की हुई है, तो ये हमने कंपाइल कराया. इसको जब आप रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी सर्कल की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है. तो ब्रेशनहैम सर्कल एल्गोरिथम के थ्रू हम 8-way सिमेट्री में सर्कल को प्लॉट कर लेते हैं. और 8-way सिमेट्री में सर्कल प्लॉट करके हम उसका ये प्रोग्राम बनाए जिसमें कि हम रेडियस यहाँ पे प्रोग्राम में ही रेडियस की वैल्यू एंटर कर दे रहे हैं, जिससे कि यदि हमारा एरर होता है तो वो
यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और यदि एरर नहीं होता है तो हम जैसे कि वहाँ पे एल्गोरिदम में काम कर रहे थे वो एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वल करके वैल्यूज को तब तक के ये प्रोग्राम चलेगा जब तक कि एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती है। और यहाँ से हम रेडियस भी जैसे भी चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।